सर डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह सीनियर साइंटिस्ट मौसम केंद्र भोपाल। जैसा कि पिछले 2 से 3 दिनों से मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, खासकर जो पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से हैं, वहाँ पे गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी, कहीं कहीं पे धूल भरी हवाएं और एक आध जगह ओलावृष्टि की घटनाएं देखी जा रही है। और अभी भी आप अगर सैटेलाइट प्रिंसिपल जो सिनॉप्टिक सिचुएशन है उसकी बात करें, तो जो साउथ वेस्ट राजस्थान का हिस्सा है, यहाँ पे हल्की क्लाउडीनेस देख सकते हैं, एक चक्रवाती घेरा और साथ में कोर्ट से लेकर पश्चिम तक ये एक उत्तर प्रदेश और मेघालय तक एक ट्रफ लाइन सक्रिय है, और साथ में गुजरात के ऊपर भी एक जो दक्षिण पश्चिमी हवाओं का जो घेरा है वो सक्रिय है। इस वजह से अरब सागर से थोड़ी नमी आज भी आ रही है। हालांकि जो मानसून की गति है वो अरब सागर और बंगाली खाड़ी दोनों तरफ से धीमी पड़ चुकी है, और अगले 3-4 दिनों तक अभी बहुत ज़्यादा मानसून में प्रोग्रेस की एक्सपेक्टेशन नहीं है। हालांकि 19-20 जून के आसपास जो बालाघाट या डिहरी के क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी, और 22-23 जून होते होते पूर्वी मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। अभी फिलहाल जो कंडीशंस है उसको देखते हुए जो आगामी 5 दिनों का फोरकास्ट आप उसमें देख सकते हैं, कुछ जिले जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, जैसे आगर, देवा, सीहोर, खरगोन, खंडवा, बैतूल और साथ में इधर छिंदवाड़ा, पांडोना, सिवनी, मंडला, बालाघाट, यहाँ पे कहीं कहीं पे तेज हवा माने 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं, गरज चमक के साथ आंधी तूफान और कुछ जगहों पे ओलावृष्टि, जिसमें इंदौर और उज्जैन संभाग के कुछ जिले सम्मिलित हैं। अगर हम डेटों की बात करें तो इस लगभग इसी एरिया में जो ओलावृष्टि घटना है ये सक्रिय रहेंगी। साथ में जो पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश का हिस्सा है, रीवा और बुंदेलखंड का हिस्सा, माने सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी, इनमें कहीं कहीं पे हीट वेव माने अधिकतम तापमान जो है 44 से 45 डिग्री या कहीं कहीं पे 46 डिग्री तक जा सकते हैं, जबकि न्यूनतम तापमान भी कई जगह पे सामान्य से 4.5 डिग्री या उससे भी ज़्यादा बने हुए हैं, जो कि गर्म रातें जहाँ पे जो नाइट डिस्कम्फर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, इन जगहों पर हमने ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है। अगर हम 48 आवर्स की बात करें 17 जून के आसपास, तो यहाँ पे जैसा हमने बताया जो पूर्व दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पे मानसून की बारिश शुरू होने के आसार हैं, और जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्के से मध्यम वर्षा ये 17-18 जून के आसपास देखी जा सकती है। लेकिन उसके बाद एक बार फिर जो मानसून करंट है वो थोड़ा वीक पड़ जाएगा, और 20 जून के बाद 2 से 3 दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है मानसून के आगे बढ़ने के लिए। अभी फिलहाल चूंकि मानसून बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट के रूप में नहीं है मध्य प्रदेश में या पूरे ही मध्य भारत में कह सकते हैं, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वो किसी भी तरीके से वर्षा पर आधारित जो बुवाई है उससे बचे, और जो ड्राई सोइंग जिसके पास फैसिलिटीज है वो उस पर जा सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पे 1 या 2 दिन की जो बारिश मिला के 4 से 5 सेंटीमीटर बारिश हो जा रही है अगले 3-4 दिनों में, वहाँ पे वो बुवाई कर सकते हैं। शेष सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मानसून के आने का या फिर भारत मौसम विज्ञान विभाग के अगले जो भी पूर्वानुमान है उसका इंतजार करें। धन्यवाद।